नमस्कार। 2022 का समापन होने जा रहा है और 2023 आने वाला है। 2023 आज का ये प्रेडिक्शन है मिथुन राशि के लिए। नमस्कार, जय गणेश और डियर फ्रेंड, मैं हूँ नरेश खत्री, एस्ट्रोलॉजर, अहमदाबाद, गुजरात से। मिथुन राशि के लिए, मिथुन लग्न के लिए और जिनका अभी जन्म का सूर्य मिथुन राशि के अंदर है, मिथुन राशि में है, ये सब जातकों के लिए ये प्रेडिक्शन इफेक्ट करने वाला है। तो मिथुन के सूर्य कब होते हैं? मिथुन के जो सूर्य हैं, कोई भी साल के अंदर 15 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच में जन्म हुआ है, ऐसे जातकों का जो सूर्य है ये मिथुन राशि में होता है। तो यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों मिथुन राशि के अंदर है तो इस प्रेडिक्शन का आपको बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। बहुत खुश खबर है आपके लिए 2023 के अंदर। क्या है खुश खबर? के आपका जो कारोबार है, बिजनेस है, ये अपग्रेड होने वाला है। करियर के रिगार्डिंग यदि आप कुछ लंबे समय यानी कि आपको छोटी पनौती जो चल रही है, ये 17 जनवरी 2023 तक है। 17 जनवरी 2023 को शाम को 5:55 पर जो शनि है वो मकर राशि छोड़कर कुंभ राशि में भ्रमण स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो छोटी पनौती है वो खत्म होती है, समाप्त होगी और शनि जो कि आपके भाग्य स्थान में चलेंगे, जो आपके भाग्य में मजबूत तरीके से वृद्धि करने वाले होंगे। तो जो कोई भी जातक लोहे के बिजनेस के साथ कनेक्टेड है, कोई भी प्रकार के जिनका भी काम है, सीधा या आड़कतरी तरीके से लोहे के कोई भी प्रकार के काम से कनेक्टेड है तो आपके कामकाज में वृद्धि होने वाली है। हालांकि जो शनि है इनकी दृष्टि अशुभ मानी जाती है, तो लाभ स्थान में जो शनि की दृष्टि होगी, तीसरी दृष्टि, जिसके चलते हुए लाभ तो मिलेगा लेकिन धीरे धीरे मिलेगा, जल्दी इतना लाभ नहीं मिलेगा। और पराक्रम भुवन में शनि की दृष्टि है तो रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है आपके भाई बहन या आपके नेबर्स के साथ। सैटर्न 10th एस्पेक्ट इन द 6th हाउस, जिसके चलते हुए आपका शत्रु विजय तो जरूर होगा लेकिन 6th हाउस जो है ये पेट के नीचे का भाग है, इसमें सैटर्न एस्पेक्ट के कारण पेट में कब्ज का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो खान पान में आपको विशेष केयर रहना होगा, अदरवाइज आपके पेट के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है। और आफ्टर ऑल तो जो हमारा पेट है ये जब ठीक नहीं होता है तो उसके कारण ही जो शरीर के अंदर बीमारियां लगती है, तो बीमारी का घर जो है ये यहाँ से शुरू होती है। तो खान पान में आपको विशेष केयर करना होगा, कब्ज होने वाली ऐसी मैदा वाली जो ज़्यादा चीज़ें हैं ये सब ना खाएं। अदरवाइज बहुत केयरफुली अपने बॉडी के जो सिस्टम है उसको समझकर आप आगे चलें। यू शुड बी टेक केयर अबाउट हेल्थ। लेकिन भाग्य में प्रबल वृद्धि करने वाला है शनि आपके भाग्य में। आपको 17 जनवरी 2023 से लेकर जो 2.5 साल का पीरियड है कुंभ राशि के अंदर शनि आपके भाग्य को प्रबल करने वाले हैं। लंबे चलने वाले ग्रहों का ही प्रिडिक्शन है इसके अंदर। तो मंथली प्रिडिक्शन तो हर मंथ में अपलोड होता रहता है। तो लंबे चलने वाले ग्रहों की ट्रांजिट में शनि के बाद बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। तो सेकंड ट्रांजिट जो है वो गुरु की है। 22 अप्रैल 2023 को सुबह 5:43 यानी कि 5:43 AM पर इंडिया टाइम पर गुरु मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में चलेंगे, यानी कि आपके दसवें स्थान से निकलकर आपके लाभ स्थान में चलेंगे। अब कार्य क्षेत्र के अंदर जो गुरु है 22 अप्रैल तक, वो भी दोष कारक माना जाता है बिजनेस कारोबार को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि गुरु के लिए ऐसा कहते हैं भावति भाव दोष कारकम, जिस भाव में गुरु बैठ जाता है इसके फल को डिस्टर्ब कर देते हैं। इस हिसाब से जो गुरु आपके केंद्र केंद्र में दसवें स्थान में है, इसके चलते हुए बिजनेस कारोबार को लेकर आप कुछ तनाव जरूर महसूस करेंगे, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट भी है वो शुभ दृष्टि बहुत शुभ है। धन स्थान में गुरु की उच्च दृष्टि होने के कारण
कहीं ना कहीं से धन का अरेंजमेंट भी आपका हो जाएगा रिक्वायरमेंट के अनुसार। सुख स्तंभ में गुरु की दृष्टि होने के कारण मकान वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि लेना बेचना कुछ भी करना चाहें तो वो काम भी आपका हो सकता है और गुरु शत्रु विजय आपको करवाएंगे। बदलने के बाद गुरु का फल क्या होगा? 22 अप्रैल के बाद अप्रैल 22 अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक कांस्टेंट गुरु मेष राशि में आपके लाभ स्थान में चलेंगे। और ये यहाँ पर जो गुरु का जो ट्रांजिट है दिसंबर की 31 तक राहु आपके लाभ स्थान के अंदर है। राहु के साथ 11वें स्थान के अंदर होंगे। राहु गुरु का चंडाल योग जो है आपके जो भौतिक सुख समृद्धि है इसमें जबरदस्त वृद्धि करने वाले बनेंगे। भले चंडाल योग है लेकिन राहु को संपत्ति देने वाले ग्रह गुरु है और गुरु के लिए जो राहु है वो अति मित्र ग्रह है। तो राहु गुरु का चंडाल योग आपको मित्रों से भी लाभ करवाएंगे, बेजाति मित्रों से भी आपको लाभ करवाएंगे, एब्रोड के मित्रों से भी आपको लाभ करवाएंगे। तो केतु पंचम स्थान के अंदर है जिसके चलते हुए आपको कुछ आकस्मिक लाभ भी मिल सकता है। तो ये ग्रहों की परिस्थिति है। गुरु बदलने के बाद पराक्रम में वृद्धि करेंगे। 22 अप्रैल के बाद साहस भुवन में गुरु की जो पंचम दृष्टि है पराक्रम भुवन में आपकी भुजाओं के ऊपर आपकी साहसिकता में वृद्धि करने वाले बनेंगे। आपके संतान सुख में वृद्धि करने वाले बनेंगे। जो कोई भी अब तक विवाहित है मैरिड है और संतान इच्छुक हैं इनको संतान प्राप्ति कंसीविंग या प्राप्ति भी हो सकती है। और अविवाहित जो जातक है इनके लिए ये विवाह का योग करेंगे। जो कोई भी जातक उम्र लायक हो गए हैं मैरिज के योग्य हो गए हैं इनका मैरिज एंगेजमेंट इत्यादि भी हो सकता है। तो बदलने के बाद गुरु का ट्रांजिट जो कोई भी जातक विवाहित है इनके भी दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बढ़ाने वाले होंगे। आपका जो रिस्पेक्ट है वो आपका पार्टनर आपके आपका रिस्पेक्ट बढ़ाएंगे क्योंकि गुरु ग्रह जो है वो आदर और मान और सम्मान के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि करियर के रिगार्डिंग जो लंबे समय से आप फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम ये सब प्रॉब्लम आपका यहाँ पर 2023 में अपग्रेड होने वाला है और आपका जो अशुभ समय है यहाँ पर खत्म होता है और आपका जो शुभत्व है वो स्टार्ट होता है। जैसे मंथली प्रेडिक्शन में हम बताते हैं चौथा आठवां बारहवां चंद्रा ऐसे ईयरली प्रेडिक्शन के अंदर आपको बताएंगे चौथा आठवां बारहवां सूर्य का जो ट्रांजिट है वो कौन कौन से मंथ होंगे जिसमें आपको अपना हेल्थ गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर फादर के साथ ये सब केयर करना है। तो सबसे पहले जो ट्रांजिट होगी वो 14 जनवरी 2023 से लेकर 13 फरवरी 2023 और इस साल के अंदर भी 2022 के अंदर भी सॉरी 2023 में ही आएगा 14 जनवरी 2023 से लेकर 13 फरवरी 2। सबसे पहले आपको आठवां सूर्य होगा 14 जनवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 आठवें स्थान में सूर्य होंगे। और ये सूर्य जो है ये अष्टम स्थान में शुभ नहीं माने जाते हैं। 13, 14 से 17 तक का जो पीरियड है ये सूर्य शनि की युति बनेगी आठवें स्थान में जिसके चलते हुए आपको अपने फैमिली और अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। हालांकि 17 तारीख को शनि राशि बदल कर चले जाएंगे आपके भाग्य स्थान में। 15 मई से 15 जून तक जो सूर्य 12वें स्थान में चलेंगे इसमें भी आपको अपने हेल्थ फादर के साथ रिलेशन गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर ये सब में केयर करना है और आंखों का विशेष केयर करना होगा। उसके बाद आपको 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक का जो पीरियड है ये जो सूर्य है आपकी राशि से चौथे स्थान के अंदर होंगे कन्या राशि के अंदर। तो ये जो ट्रांजिट है इसमें भी 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक जो सूर्य सुख स्थान के अंदर होंगे इसमें आपको मकान वाहन प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। और जो कोई भी जातक हार्ट के पेशेंट हैं उनको अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना है। और रिलेशनशिप में माता पिता जॉब में अपर लेवल और विवाहित जो जातक है इनको अपने इन लॉज के साथ भी रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा।
तो इस प्रेडिक्शन को कोई आपके मित्र है मिथुन राशि वाले, इनको जरूर शेयर करें, लाइक का एक बटन जरूर बनता है। मंथली प्रेडिक्शन, साप्ताहिक राशि प्रेडिक्शन से भी आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए प्रेडिक्शन में। नेक्स्ट प्रेडिक्शन कर्क राशि 2023। नमस्कार।